इतनी बड़ी राजनीति और इतनी ओछी राजनीति कांग्रेस और एमआईएम के लोगों ने उसको महिला को जिस तरह से वो यहाँ लेकर आए और लाने के बाद उसे उत्साहित किया। वो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में बुलाई जाती हैं, कांग्रेस के लोग उसकी साजिश रचने का काम करते हैं और ये ओछापन क्यों नहीं रोक रही प्रियंका वाड्रा। अमेठी जिले की एक महिला और उसकी बेटी ने शुक्रवार शाम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के गेट नंबर 3 के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। इसमें गुड़िया नाम की लड़की 80% और उसकी मां 40% तक जल गई। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों और किसने उन्हें ऐसा करने को कहा था। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार पांडे है और आप देख रहे हैं यूपी तक। नाले की शिकायत को लेकर परेशान महिलाओं ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 महीने से वो पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगा रही थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से उन्होंने लखनऊ आकर खुद को आग के हवाले कर दिया। तो कुछ लोग जो मारे थे उसकी फायर मैंने लिखवाया, वो लोग दबंग लोगों के पास, प्रभावशाली लोग हैं सर, उनके पास चले गए। वो लोग यार हमको तानी में नहीं लिख दे रहे थे, ऐसो के पास है, वहाँ पुलिस प्रशासन के पास से ही हमको नहीं लिखने दे रहे थे। हम लिखा दिए, जिसकी सूचना वहाँ के पुलिस दरोगा जी ने वहाँ पे दे दिया कि आप फायर लिखवा ले। वहीं इस केस पर लखनऊ कमिश्नर सुजीत पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुड़िया और उसकी मां को ऐसा करने के लिए उकसाया गया था। उसे ये सुझाव के तौर पर बताया गया था कि खुद को आग के हवाले करने से सरकार आपकी बातें सुनेगी और उकसाने वालों में 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, जबकि एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अमेठी के प्रेसिडेंट कादिर खान, अमेठी कांग्रेस के नेता अनूप पटेल का नाम सामने आया है। इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR नामजद किया हुआ है। जो 4 FIR में नामजद हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह MIM अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। अब इन सभी का रोल बहुत क्लियरली इस पूरी अभी तक की जानकारी में, जो कल से हम लोग काम कर रहे थे विवेचना के तहत FIR के लिए, उसमें उभर कर आया। खैर, पुलिस के इस खुलासे से राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका को छुपाने के लिए ऐसा किया गया है, तो वहीं BJP की तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस इसी तरह के आइडिया दिया करती है जो उनके हित में नहीं होता है। बेहद चौंकाने वाले हैं। वो महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर में बुलाई जाती हैं, कांग्रेस के लोग उसकी साजिश रचने का काम करते हैं और ये ओछापन क्यों नहीं रोक रही प्रियंका वाड्रा? क्यों ओछी हरकतें हैं, ओछी राजनीति कर रही है? अमेठी की सम्मानीय जनता ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। आप सेवा की राजनीति करो, आप रचनात्मक विपक्ष की राजनीति करो, लेकिन ओछी और घटिया राजनीति क्यों कर रहे हैं? और उन लोगों के आपस में एक बहुत ही छोटा सा नाली का विवाद था और उस विवाद को लेकर इतनी बड़ी राजनीति और इतनी ओछी राजनीति कांग्रेस और MIM के लोगों ने उसको महिला को जिस तरह से वो यहाँ लेकर आए और लाने के बाद उसे उत्साहित किया और जिस तरह से उसको प्रवोक किया कि ऐसा करो तुम, और उसको करने के लिए प्रेरित करके और उससे हल्का सा कहीं उसको आग लगवाई और उसके बाद दौड़ाया ताकि मीडिया ट्रायल हो जाए और मीडिया पर चला जाए। बहरहाल इस मामले में अभी तक सिर्फ इतना ही, और आगे के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक।